हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और एक्सेस में एक ऐसी क्वेरी लगानी है। अब देखिए, ये क्वेरी काफी बार क्लास 12 के एग्जाम में पूछी गई है, बीसीए में भी काफी बार ये क्वेरी पूछी जाती है। अब ये क्वेरी है क्या, डेटाबेस में ये अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है। क्वेरी ये है कि बहुत बड़ी लिस्ट है। अब ये तो लिस्ट बड़ी छोटी सी है, लेकिन एक बार अप्लाई कर दिया तो कितनी भी बड़ी लिस्ट हो उस पर यह काम करेगा। तो क्वेरी ऐसी है कि हमें 27 से लेकर 35 के बीच के एज वाले लोगों की ही रिकॉर्ड चाहिए होंगे। तो इस तरह की क्वेरी जब लगाई जाती है तो उसमें बिटवीन का यूज किया जाता है। और ये किस तरीके से लगाया जाएगा, मैं इसमें कुछ और भी नाम ऐड कर देता हूँ, लाइक यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ पर ये इस तरीके से, और ये 45, यहाँ पर किशन राघव 55, तो ये कर दिया कुछ इस तरीके से। अब इसमें हम क्या करते हैं, वो क्वेरी लगा के दिखाता हूँ आपको। तो क्रिएट पे चलेंगे और सीधा कहाँ जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और इसको यहाँ से, ये जो टेबल आ रही है ना, इसको आपको क्लोज करना होगा, तो यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा और एसक्यूएल व्यू पे चलेंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियरली दिखाई दे रही होंगी। अब यहाँ पे सेलेक्ट क्या करना है, यहाँ पे एस्टरिस्क लगाना है और यहाँ पे लिखना है फ्रॉम। कहाँ से सेलेक्ट करना है, हमें टेबल का नाम है टेबल वन, तो बस टेबल वन इस तरीके से आपको लिख देना है। ये लिख दिया, अब यहाँ पर क्या करना है, एंटर करना है। अब यहाँ पर वेयर कंडीशन देनी होगी, तो यहाँ पर लिखना होगा वेयर, ठीक है। क्वेरी बड़ी आसान है। टेबल में हमें क्या देखना है, एज देखना है, ठीक है। तो एज लिखा हमने इस तरीके से, जैसे लिखा गया टेबल में वैसे ही लिखना है। यहाँ पे यहाँ पे बिटवीन लिखना है आपको इस तरीके से जैसे मैंने लिखा हुआ है। और मुझे चाहिए, यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, लाइक सपोज कीजिए यहाँ पे हमको करना है 5 to 32 कर दिया और यहाँ से इसको रन करवा दिया। तो अब देखेंगे कि 5 से लेकर के और 32 के बीच में जो भी एजेस हैं, एजेस वाले लोग हैं, उनके नाम यहाँ पर आ गए हैं। तो बिटवीन इसी तरीके से लगाया जाता है। अब इसको आप प्राइस पे लगा सकते हैं, किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी चीज पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी नाम आप इंक्रीज करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक और नाम इंक्रीज किया, सपोज कीजिए यहाँ पर लिखता हूँ हिना, एक और नाम लिख दिया, और अंसारी इस तरीके से ये लिख दिया, और यहाँ पर मान लीजिए एज डाल दी हमने 12, तो 12 5 से लेकर और जो मैंने कंडीशन दी है उसी के बीच आता है। तो बस आपको यहाँ पर क्वेरी पे, ये जो क्वेरी रन हुई है इसी पर है ना, एक बार रिफ्रेश करना है। तो देखिए यहाँ पर हिना का भी नाम आपको आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि क्वेरी ही हमारी ये रही है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेरी ही ये रही है कि 5 से 32 के बीच में। अब यहाँ पर अगर चेंज कर देंगे, जैसे मान लीजिए 5 से 30 के बीच में कर देंगे तो 30 वाले तक के नाम आएंगे, ठीक है। इसको मैं सेव भी कर देता हूँ, एज क्यू के नाम से एज क्यू क्यू कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब जबकि हम इसको चलाएंगे तो देखेंगे कि हाँ, ये देखिए ये तो आ ही रहा है, इस तरीके से कुछ ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।